गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई हम पीसी के गेम्स को अपने मोबाइल फोन पर क्यों नहीं खेल पाते हैं। भाई मोबाइल फोन में इतनी स्टोरेज होती है कि हम आराम से एक या दो गेम को आराम से डाउनलोड कर भाई अपने मोबाइल फोन पर खेल सकते हैं, क्योंकि भाई आजकल के जो मोबाइल फोन आते हैं उनकी स्टोरेज 256 GB 500 GB स्टोरेज मिलती है, और एक जो पीसी का गेम है वो मैक्सिमम 100 GB या उससे ज्यादा होता है, लेकिन 100 GB हम मिनिमम भी मानकर चले तो भाई आराम से हम डाउनलोड कर खेल सकते हैं इस हिसाब से तो, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। आज हम इसी चीज के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। पहली चीज भाई, हम ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि भाई एक सिर्फ स्टोरेज ही ऐसी चीज नहीं है जो गेम को भाई रन करने में हेल्प करती है, क्योंकि स्टोरेज के अलावा भाई GPU है, प्रोसेसर है, भाई ये दोनों चीजें भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। भाई हमारे जो फोन में जो प्रोसेसर आता है वो एक CPU होता है जो PC के अंदर लगता है, उससे कहीं ज्यादा कमजोर है प्रोसेसर के। आप iPhone 14 का जो प्रोसेसर है भाई वो अपने एक i3 प्रोसेसर से भी काफी कमजोर है, आप मान कर चल सकते हो, क्योंकि एक 30,000 का PC जो परफॉर्मेंस आपको निकाल कर देगा वो iPhone 14 आपको नहीं निकाल कर दे सकता है। ये सुनने में काफी अजीब लग रहा है, लेकिन एक PC कहीं ज्यादा पावरफुल होता है एक मोबाइल फोन के मुकाबले। दूसरी भाई हार्डवेयर में जो चीज आती है वो है ग्राफिक कार्ड। भाई हमारे जो मोबाइल फोन में GPU आते हैं या इनबिल्ड जो GPU होते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं, और हम भाई एक 30,000 का 25,000 का अलग से GPU कार्ड लगाकर खेलते हैं उस गेम को, तो सोच सकते हो हम अलग से एक GPU कार्ड इतना महंगा लगाकर भाई हम खेल रहे हैं PC में, वो भाई बेकार में लगाने के लिए नहीं है, क्योंकि भाई उस चीज की सच में जरूरत है, क्योंकि एक जो PC गेम है भाई उसके ग्राफिक कार्ड्स को भाई रेंडर करने में सच में भाई GPU की जान निकलती है। मैं खुद भाई 1660 सुपर यूज करता हूँ, हालांकि ये काफी पुराना ग्राफिक कार्ड हो गया है आज के समय के हिसाब से, लेकिन भाई इस GPU की जान निकलती है भाई। और कुछ गेम्स तो ऐसे हैं भाई जिन्हें मुझे लो सेटिंग कर खेलना पड़ता है। ये भाई आज के टाइम पर नया अगर खेल लेने के लिए चाहते हो तो आप 20,000 से 18 से 20,000 के बीच में मिलता है, और सेकंड हैंड भाई आपको 10 से 12,000 का इजीली मिल जाएगा ये ग्राफिक कार्ड। लेकिन भाई अब दूसरी चीज इसके बारे में हम बात करने वाले, हार्डवेयर तो भाई अभी सपोर्ट नहीं करता है। दूसरी चीज है भाई कंट्रोल्स। अगर भाई कोई गेम ऐसा आ गया जिसे भाई हम PC के गेम को मोबाइल फोन के लिए डेवलप भी कर दिया गया, तो भाई कंट्रोल्स की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि भाई हम PC पर जब गेम खेलते हैं तो हमारे पास कीबोर्ड होता है जिसमें भर भर कर भाई हम कीज दबाकर आराम से गेम को खेल पाते हैं, लेकिन भाई वहीं पर मोबाइल की एक छोटी सी स्क्रीन होती है जिसके अंदर भाई हम कितने ही ज्यादा उस चीजों को कॉम्पैक्ट कर छोटा छोटा कर डाल देंगे तो भाई उस गेम का जो गेम प्ले एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाएगा, और हम भाई उस गेम को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाई एक कीज की लिमिटेशन होती है, हम जब भी कोई मोबाइल गेम बनाते हैं या कोई भी मोबाइल गेम होता है तो उसमें एक लिमिटेड भाई कीज होती है जिन्हें हम प्रेस कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि भाई मोबाइल की स्क्रीन होती है वो काफी ज्यादा छोटी होती है, और PC में भाई स्क्रीन भी बड़ी होती है, और कीबोर्ड में भाई ढेरों की होती है, बहुत सारी कीज होती हैं जिनको दबाकर आप गेम को आसानी से एंजॉय कर पाते हो। और तीसरी चीज है वो है गाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेशन। भाई एक एंड्रॉयड या एक आईफोन में भाई एक सॉफ्टवेयर के अंदर लिमिटेशंस होती हैं, वो भाई PC के गेम्स को नहीं चला सकते हैं, उनका सॉफ्टवेयर भाई अभी इतना पावरफुल नहीं है या इस हिसाब से डेवलप नहीं हुआ होता है कि वो PC के गेम्स को चलाए, क्योंकि वो फोन भाई कॉल करने के लिए, कुछ मोबाइल गेम खेलने के लिए और दूसरे कामों के लिए डेवलप किए गए हैं मोबाइल फोन, वो PC के गेम्स को चलाने के लिए डेवलप नहीं किए गए हैं, और इसीलिए भाई अगर कोई सॉफ्टवेयर इस तरीके से बनाया जाता है और हम उसका दूसरे तरीके से यूज करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और भाई एक एंड्रॉयड फोन में या एक आईफोन में भाई बहुत ज्यादा लिमिटेशन होती हैं एक विंडो के मुकाबले, आप विंडो के अंदर भाई भर भर कर चीजें कर सकते हो, और वहीं आईफोन में और एक एंड्रॉयड फोन में भाई बहुत ज्यादा लिमिटेशन होती हैं। अगर आप जब विंडोज और मोबाइल फोन को जब चलाओगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि एक PC में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, आप एक PC में एक फोन को अच्छे से चला सकते हो इम्यूलेटर की हेल्प से, लेकिन इम्यूलेटर की हेल्प से आप पूरी कंप्लीट PC की जो सारी चीजें एक्सेस नहीं कर सकते हो एक मोबाइल फोन के ऊपर, लेकिन आप एक PC के अंदर मोबाइल फोन की सभी चीजों को एक्सेस आसानी से कर पाओगे, हर एक गेम हर एक ऐप को आप PC के अंदर चला सकते हो, लेकिन PC के हर एक ऐप और हर एक गेम को आप मोबाइल फोन के अंदर नहीं चला सकते हो, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर के अंदर और हार्डवेयर के अंदर बहुत ज्यादा लिमिटेशन होती है। तो ये कुछ चीजें थी भाई जो मैंने आपको बताई है कि एक PC गेम और एक PC गेम्स को अपने मोबाइल फोन के अंदर क्यों नहीं चला सकते हो, और अगर आपको ये सब कुछ जानने में अच्छा लगा और आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर कीपिंग।